हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने पल्सर 150 VS3 UG4 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज इसमें मैं पायलट लाइट में LED इंडिकेटर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो आपको पहले पायलट लाइट दिखा देता हूँ। इसमें वाइट कलर के पायलट लाइट मैंने डाला हुआ है। अभी सीरामिक वाला बल्ब डाला हुआ वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये बल्ब भी अवेलेबल है। मैं जब ओपन कर दूँगा तो आपको बल्ब का ये भी दिखा दूँगा कैसा बल्ब है वो, सीरामिक वाला। तो गाइज़, आपको LED इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा T10 सॉकेट आपको परचेस करना पड़ेगा। ये है T10 सॉकेट, जो पल्सर का ही है। मैंने चोर बाज़ार से परचेस किया हुआ है। अगर आप नागपुर में रहते हो, नागपुर महाराष्ट्र में, तो आपको एम्प्रेस मॉल के अपोजिट में शनिचर मार्केट लगता है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। उसके चोर बाज़ार नाम से ही फेमस है, अगर आप नागपुर महाराष्ट्र से हो तो। ये मैंने परचेस कर लिया था और ये मतलब यूज़ किया हुआ रहता है उधर। आपको ही पता है, अगर न्यू लेना है तो आप न्यू भी परचेस कर सकते हैं। ये 20 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। इसके साथ H4 होल्डर भी था, पल्सर 150 के 2 पायलट लाइट और H4 होल्डर था। मैंने H4 होल्डर कट करके इसमें वायरिंग एक्सटेंड कर दिया है। इसमें आज येलो कलर का सिरामिक बल्ब लगाने वाले हैं जो इंडिकेटर में जाएगा। दोनों वायर बहुत ईजी है। एक भाई ने कमेंट किया था कि आप ये पल्सर 150 के जो पायलट लाइट है उसको इंडिकेटर में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप भी ऐसे सजेस्ट किए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करूँगा। ये मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। बाकी और आप सजेशन कीजिए अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। ये है T10 सॉकेट, ये पल्सर का ही है। मैं परचेस करके लेके आ गया। इसमें कट करके इसका वायरिंग एक्सटेंड कर दिया है। ये ब्लैक विथ येलो स्ट्रिप इसका ग्राउंड वायर है, मतलब निगेटिव है, और ये फुल्ली रेड वायर इसका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को मैंने ऑरेंज से एक्सटेंड कर दिया क्योंकि मेरे पास वायर नहीं था रेड कलर का, और ये येलो से ग्राउंड वाला कर दिया मैंने। ये व्हाइट विथ येलो है इसलिए येलो से कर दिया, दोनों में सेम किया हुआ है। और इसमें आपको बल्ब भी दिखा देता हूँ कौन से लगाने वाला हूँ। तो गाइज, ये है एम्बर कलर की लाइट, आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये एम्बर कलर का लाइट है ये। अगर आपको परचेस करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये है एम्बर कलर का लाइट, आपको दिखा दूंगा। ये फुल्ली सिरामिक वाला है, लोकल वाला नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, आपको और भी क्वालिटी मिल जाएगी, पर ये एकदम अच्छा है क्वालिटी में। इसके पहले आपको ये हेड ओपन करना पड़ेगा पल्सर 150 का। अगर आपका BS3 मॉडल होगा तो आपको हेड ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि BS3 मॉडल में BCU यूनिट आता है। तो BCU यहाँ पे इसके नीचे जस्ट मीटर के पीछे ही होता है। तो आप ये वाइज़र ओपन करके आप एक्सेस नहीं कर तक कर सकते उसके। तो BS4 मॉडल में BCU रिमूव कर दिया है उसमें, तो वो डायरेक्ट प्लग एंड प्ले सिस्टम है उसमें। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है इधर में, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। ये मैंने BS4 का टाइप कर दिया है पूरा, उसका जो BCU यूनिट होता है वो निकाल के मैंने ये प्लग इन प्ले सिस्टम किया हुआ है इसमें। तो देखिए, बहुत ज़्यादा स्पेस है। तभी भी आपको क्लियरली समझने के लिए मैं हेड ओपन करने वाला हूँ। उसके लिए आपको ये 10 mm के 2 बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे नंबर प्लेट निकालने के लिए। ये दिया हुआ है 10 mm के 2 बोल्ट, उसके अंदर में 2 बोल्ट दिया हुआ है। ये है, एक मिनट क्लियर करता हूँ। ये 2 10 mm के बोल्ट है, ये भी ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ये स्क्रू फोर हेड वाला इंडिकेटर के नीचे होता है, और फ्रंट में 4 साइड में मिलेगा आपको 1 2 3 4। ये 4 स्क्रू ओपन करने के बाद इसके इंडिकेटर के नीचे भी दिया हुआ है। वो ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर में इसको ऐसा पुल करने के बाद इसके अंदर में आपको 10 mm के 2 बोल्ट मिलेंगे, एक इस साइड एक राइट हैंड साइड। तो वो पूरा टोटल ओपन कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज, मैंने ओपन कर दिया है पूरा ये हेडलाइट, आपको दिखा देता हूँ। ये निकाल लेता हूँ मैं, इसका बल्ब निकालना पड़ेगा। देखिए, ये सिरामिक वाला अलग टाइप का थोड़ा बल्ब आया हुआ है। ये भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्योर वाइट है, इसमें 2 लाइट है और बहुत ही ज़बरदस्त लाइट है इसका। अभी मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इसका ब्राइटनेस। ये इसका एकदम ज़बरदस्त लाइट है। ये भी निकाल लेता हूँ मैं, थोड़ा नाइट हो रहा है दोस्तों, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी टाइम कुछ 6:45 बज रहा है, इसलिए देखिए ऐसा है। ये भी आप मेरे पास मिल जाएंगे आपको, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और ये जो मैंने लाया है इसमें ये लाइट मैं फिक्स करने वाला हूँ। अगर ये ऐसा ऑन नहीं हो रहा है तो आप इसको पलट के लगा दीजिए तो ये ऑन हो जाएगा। पहले मैं वायरिंग कर लेता हूँ, आपको वायरिंग भी दिखा देता हूँ। और जो ये खाली वाले जो सॉकेट, इसको टेप मार के रख दीजिएगा, नहीं तो अगर ये मेटल पार्ट पर किसी जॉइंट हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो मैं इसको टेप कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज, मैंने इसे टेप कर दिया और एकदम हल्के हाथ से आपको टेप लगाना, नहीं तो ये ऐसा आपस में चिपक जाएगा, तभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मतलब ऊपर से ऐसा जाना नहीं चाहिए पानी, ऐसा टाइप का मैंने टेप लगा दिया इसमें। और इसको साइड में आप टाई कर सकते हैं, मैं इसको साइड में ऐसे रखने वाला हूँ।
ऐसा करके मैं रख दूंगा इसके नीचे। अभी आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। तो गाइज मैं वायरिंग दिखा देता हूँ आपको। ये है इंडिकेटर का वायर, आप ये देख सकते हैं। ग्रे इसका पॉजिटिव है, ब्लैक विथ येलो स्ट्रिप इसका निगेटिव है। सेम लेफ्ट इंडिकेटर में ब्लैक विथ येलो स्ट्रिप इसका निगेटिव है और पॉजिटिव वायर इसका ग्रीन है। आपको अगर ये पैनल के नीचे लगाना उधर भी लगा सकते हैं लाइट, बहुत ही ईजीली है। मैं और इसके लिए LED इंडिकेटर कंपलसरी है। आप स्टॉक में भी कर सकते हैं पर LED उड़ सकता है इसलिए। ये देखिए ये हो गया ग्राउंड, ऊपर साइड से ही लगा रहो। आपको अगर टाइम होगा तो आप नीचे से भी लगा सकते हैं, थोड़ा उसमें टाइम जाता है पर सॉकेट इजीली बंद होता है। और ये है इसका पॉजिटिव वायर। आपको थोड़ा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा और इसमें पतले वायर यूज़ कीजिएगा आप, मतलब जिसमें ज़्यादा वायर ना हो, क्योंकि एक ही बल्ब पे चल जाएगा उतने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लगा लेता हूँ मैं और इसका सॉकेट ऐसा बंद कर देता हूँ इसमें लगा के ये। और इसमें ये बाहर आ रहा है ये वायर, तो इसमें मैं टेप लगा के भी ले लेता हूँ। सेम मैं लेफ़्ट इंडिकेटर का भी कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज मैंने प्रॉपर फिक्स कर दिया, आपको दिखा देता हूँ लाइट चालू करके। ये देखिए प्रॉपर पॉजिटिव निगेटिव लगा दिया। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। राइट साइड का पॉजिटिव वायर ग्रे वाला है और लेफ्ट साइड का ग्रीन वाला है। तो मैंने सेम पॉजिटिव निगेटिव इसमें फिक्स कर दिया है। एकदम सिंपल कनेक्शन है ये T10 सॉकेट। अगर आपको ये मिलता नहीं होगा तो आप T10 सॉकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, पल्सर का थोड़ा ये लॉन्ग सॉकेट आता है तो आपको यही परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बजाज शोरूम से ही परचेस कर सकते हैं। आपको अगर सेकेंड हैंड मिलता है तो बहुत बढ़िया है। ये मैंने येल्लो वाला ग्राउंड कर दिया इसका और ये ऑरेंज वाला पॉजिटिव में गया, दोनों साइड मैंने लगा दिए सेम। और अभी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इंडिकेटर लेफ्ट साइड का। ये देखिए लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, ये बहुत बढ़िया ब्राइट है। ये देखिए कितना ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है ये। तो आपको अगर आपके पास अगर अपाची बाइक होगी तो उसमें T10 सॉकेट वाला ही लगता है। तो आपको अगर इंडिकेटर चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन करना है और इंडिकेटर ये वाले बल्ब चाहिए आपको T10 वाले, तो वो भी मिल जाएंगे मेरे पास। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने वोल्ट मीटर यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिया है। इसका कोई वीडियो नहीं बनाया, एक वीडियो बनाया है वोल्ट मीटर कैसे बनाया। तो इसमें यहाँ पे होल करके मैंने वायरिंग अंदर से लेके कर दिया इसका। तो ये डैशबोर्ड जब मैं पूरा पैक कर दूंगा तब आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे भी देख लीजिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया नहीं दिख रहा था। अब ये 3M टेप से ओरिजिनल 3M टेप का यूज़ किया है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। 3M टेप भी दिखा देता हूँ वो आपको। ये ओरिजिनल 3M टेप है, ये आप ले सकते हैं। ये बढ़िया चिपक जाता है, एक बार देखिए हिल भी नहीं रहा है। ये देखिए पूरा डैशबोर्ड हिल जाएगा पर ये नहीं हिलेगा, बढ़िया है एक नंबर। और आपको राइट साइड का भी इंडिकेटर दिखा देता हूँ मैं। ये इसका राइट साइड का इंडिकेटर, इसमें फ्लैशर लगाया हुआ है इसलिए देखिए अभी ऐसा ऑफ हो जाता है धीरे धीरे। तो मैं ये लाइट में डायरेक्ट आपको सॉकेट में सॉकेट लगा देना है। इधर देखिए मैंने इसका टेप करके रख दिया है, डायरेक्ट सॉकेट में लगाना है। और मैं आपको ये पूरा पैक कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ये Day 2 है। उस टाइम रात हो गया था और थोड़ा दो तीन काम और बचा हुआ था बाइक में, इसलिए मैंने तभी वीडियो नहीं बनाया। ये Day 2 में वीडियो बना रहा हूँ और इसका नाइट व्यू भी आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने लगा दिया, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अगर आपको LED परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आपको कुरियर के थ्रू मिल जाएगा। और ये देखिए इसमें IMA लगा दिया है मैंने। और लेफ़्ट साइड का भी लुक दिखाया था हुआ आपको, ये है ऐसा लुक। ये इंडिकेटर अपाची में लगते हैं, अपाची एनटॉर्क में, TVS के हर बाइक में लग जाएंगे। तो ये पायलट लाइट में भी अगर आप लगाना चाहो तो तभी लगा सकते हो। ये T10 सॉकेट में आता है, T10 में आता है। और मैंने डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैंने वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया है, यहाँ से निकाल के मैंने ऊपर फिक्स कर दिया है अपने। ये पूरा पैक कर दिया था, उसके पहले मैंने आपको दिखा दिया था। ये वोल्ट मीटर यहाँ लगाया हुआ है और अभी बढ़िया लुक आ रहा है, मतलब अभी स्टेबल है। पूरा डैशबोर्ड हिल जाएगा पर ये वोल्ट मीटर नहीं हिलेगा। यहाँ से निकल गया था वो, क्योंकि इतनी सी जगह पर ही था ये। फिर से एक बार आपको फ्लैशर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्लैशर में भी बढ़िया ज़बरदस्त काम करता है। ये देखिए
और दूसरा फ्लैशर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दूसरा फ्लैशर, ये केटीएम पैटर्न है इसमें। तो अब बताइए कैसा लुक आ रहा है कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं इसका नाइट का व्यू। सो गाइस, नाइट व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने जो इंडिकेटर पार्किंग लॉट में फिक्स किया हुआ, इसका इंडिकेटर का ब्राइटनेस दिखा देता हूँ आपको। ये है लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, देखिए कितना बड़ा ब्राइट है। और यही सेम इंडिकेटर आपको अपाची बाइक में भी लग जाएंगे। अपाची बाइक में भी सेम इंडिकेटर इंटॉर्क, मतलब टीवीएस के हर बाइक में T10 वाला ही सॉकेट आता है, तो उसमें भी लग जाएंगे। अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सअप मेरे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका प्राइस भी दिया हुआ है। ये लाइट चालू करके इंडिकेटर का ब्राइटनेस दिखा देता हूँ आपको। और LED लाइट लगाया हुआ है मैंने हेडलाइट में, RTD M02H। और फ्लैशर भी दिखा देता हूँ आपको, अभी फ्लैशिंग भी दिखा देता हूँ। पहले आप बैक से लुक देख लीजिए, लुक आपको एक लुक दिखा देता हूँ मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल का। ये है लुक। और आपको अभी KTM फ्लैशर भी दिखा देता हूँ, फ्लैशिंग में कैसा काम करेगा ये। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, ये यूनिक मॉडिफिकेशन आप भी कर सकते हैं किसी बाइक एंड स्कूटर्स में। सिंपल कनेक्शन, आपको कनेक्शन आपने देख ही लिया होगा। ये सेकंड पैटर्न, ये दो पैटर्न मैंने सेव करके रखा हुआ है, एक ये और एक वो KTM वाला। बहुत बढ़िया लुक आता है इससे। ये देखिए साइड लुक दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं आपको टेल लाइट भी दिखा देता हूँ, जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आपने पिछला वीडियो देख ही लिया होगा। तो ये मैंने अभी रिप्लेस कर दिया इसका पोजीशन। ये पोजीशन बैक साइड में लगा हुआ था, इस साइड में लगा हुआ था मडगार्ड के मैंने, तो अभी मैंने ये ऊपर लगा दिया है। तो ऊपर से काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त ब्राइट आ रहा है। देखिए वो थोड़ा उसका पोजीशन अभी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि पहले वाले पोजीशन में क्या हो रहा था, जो अपोजिट साइड से जो व्हीकल आ रहा है उनके ऊपर पूरा ब्राइटनेस आ जाता था, इसलिए मैंने ये अपर साइड में लगाया हुआ है दूसरों का ध्यान रखते हुए। और ये देखिए फ्लैशर। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे यूनिक यूनिक मॉडिफिकेशन के लिए। बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशन वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।